योग और हॉलिस्टिक हेल्थ, योग और समग्र स्वास्थ्य के संदर्भ में आप लोगों से चर्चा करूंगा। भारतवर्ष प्राचीन काल से ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, जीवन, मोक्ष, ब्रह्म, ईश्वर इत्यादि क्षेत्रों में बहुत ही बड़े स्तर पर, मानसिक स्तर पर विकसित था और भारतीय मनुष्यों ने जीवन के उद्देश्य को, जीवन के रहस्य को हमारे सामने उद्घाटित किया और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इस संदर्भों को हमारे सामने रखा। तो सारी भारतीय विवेचना विशेषकर शरीर के संदर्भ में और योग के संदर्भ में किया जाए तो हमें ये परिलक्षित होता है कि योग का उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त कर लेना, या वास्तविक ढंग से जो जीवन का उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लेना। तो उस संदर्भों में हमारे भारतीय मनुष्यों ने विभिन्न प्रकार के मार्ग को प्रशस्त किया है, उसमें योग भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिसके नियमित अभ्यास से, जिसके समग्र अभ्यास से हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो योग के संबंध में थोड़ा सा मैं आपके साथ चर्चा कर लूँ, उसके बाद समग्र स्वास्थ्य, फिर उसके बाद समग्र स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लूँगा, फिर जो स्वास्थ्य है उसके कितने अंग होते हैं वो साधारण ढंग से आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, और समग्र स्वास्थ्य के या हॉलिस्टिक हेल्थ के जो अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग उसके जो अंग हैं, उसमें योग किस तरह से सहायक है, किस तरह से स्वास्थ्य को उन्नति करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले योग की तमाम तरह के डिफरेंट स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में करीब 47-48 तरह के जो योग के स्कूल्स हैं उनको मान्यता है हमारे साहित्यों में, और इन सारे स्कूल्स जो हैं योग के जो विचारधारा स्कूल्स हैं, मतलब विचारधारा योग के जो अलग अलग संप्रदाय हैं, उन सारी विचारधाराओं का, उनकी सारी परिभाषाओं का लक्ष्य ये परिभाषित होता है कि इस जीवन को किस तरह से परिमार्जित करते हुए आत्म कल्याण किया जाए। तो आज के संदर्भ में जो पतंजलि का योग दर्शन है, जो पतंजलि का अष्टांग योग है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और 21वीं शताब्दी के जीवन दर्शन में पतंजलि के योग दर्शन को अपनाना एकदम आवश्यक है। पतंजलि योग दर्शन विशेषकर चित्त वृत्तियों के निरोध का रास्ता बताता है। पतंजलि योग दर्शन चित्त वृत्तियों के निरोध के आधार पर व्यक्ति को शारीरिक ढंग से, मानसिक ढंग से, सामाजिक ढंग से और आध्यात्मिक ढंग से उन्नतशील बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। और आज के संदर्भ में चूंकि हमने विज्ञान के माध्यम से ढेर सारा अनुसंधान कर लिया, ढेर सारी ऐसी चीज़ों को खोज लिया है जो अदृश्य थी, किंतु व्यक्ति अपने आप को खोज नहीं पाया, अपने जीवन दर्शन को नहीं समझ पाया, तो उस संदर्भों को अच्छे ढंग से, नियमित ढंग से जानने समझने के लिए पतंजलि का प्रतिपादित जो अष्टांग योग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में आप किसी भी तरह की उन्नति करना चाहते हैं, चाहे आर्थिक पक्ष में करना चाहते हैं, सामाजिक पक्ष में करना चाहते हैं, शैक्षणिक पक्ष में करना चाहते हैं, जीवन में आप किसी भी तरह की उन्नति चाहते हैं तो आपके शरीर का स्वास्थ्य बना रहना एकदम से आवश्यक होता है। शरीर का स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन के लिए, उसके जीवन दर्शन के लिए एक आधार भूमि बनता है, और स्वास्थ्य का आधार होता है हमारे ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर। तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हम जीवन के किसी भी उद्देश्य में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो साधना का पक्ष हो जैसा कि मैंने पहले कहा, या आध्यात्मिक पक्ष हो, या सामाजिक पक्ष हो, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है तो सर्वप्रथम उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहना चाहिए। तो शर्मा जी ने मुझे अच्छा टॉपिक दिया तो स्वास्थ्य के बारे में मैं चर्चा करूँगा। देखिए समग्र स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि
ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर कल्याणजन्य स्थिति में हो। आज हम लोग स्वास्थ्य का मतलब ये समझते हैं कि शरीर में कोई रोग नहीं है या कोई बीमारी नहीं है तो ये ऐसा व्यक्ति स्वस्थ है, तो ये अवधारणा ठीक नहीं है। हमारा शरीर ठीक है मगर मन से हम अस्वस्थ हैं तो भी हम स्वस्थ नहीं है, या हमारा शरीर ठीक है मन भी ठीक है मगर हमारे सामाजिक संबंध एक दूसरे से अच्छे नहीं है, हम तमाम तरह की सामाजिक व्याधियों के साथ जी रहे हैं तो वहाँ पे हमारा सामाजिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसके बाद हमारे अंदर यदि मानवीय गुण नहीं है, ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, दया करुणा का भाव नहीं है तो हम आध्यात्मिक ढंग से हम उन्नतशील नहीं है। तो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ढंग से इन चारों स्वास्थ्य के अंगों के साथ स्वस्थ रहता है तो उसी व्यक्ति को बोला जाता है कि ये होलिस्टिक हेल्दी है। और होलिस्टिक हेल्दी का मतलब होने का ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है, सामाजिक स्वास्थ्य भी ठीक है, आध्यात्मिक स्तर पे भी वो समुन्नत अवस्था में है तो उसके जीवन में किए गए कार्यों में गुणवत्ता आती है, कार्य को सही समय पे कर पाता है, चाहे वो कार्य साधना के पक्ष का हो या इस भौतिक पक्ष का हो। इसलिए व्यक्ति को समग्र रूप से स्वस्थ होने की एकदम से आवश्यकता होती है और स्वास्थ्य एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को उसके जीवन लक्ष्यों के प्रति अग्रसित होने के लिए उसको उत्प्रेरित करता है। तो इसका पहला पक्ष है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मोटे अर्थों में इसको परिभाषित करने की कोशिश की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है इसमें किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि वो शारीरिक ढंग से स्वस्थ है। मतलब उसके जितने भी शरीर में सिस्टम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम्स, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, जितने भी शरीर में सिस्टम है वो प्रॉपरली नेचुरली काम कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का अनियंत्रित कोई चीज ऐसी नहीं हो रही, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे कि वो शारीरिक ढंग से स्वस्थ है। इसके बाद मैंने दूसरा बताया मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक ढंग से स्वस्थ होने का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक संकाय पूर्णतया विकसित है, उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको ग्रहण करने की प्रबल शक्ति है, पूरी तरह से उसकी स्मरण शक्ति अच्छी है, किसी भी तरह का उसके अंदर मानसिक विकार नहीं है, मतलब स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, तो इस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं कि वो मानसिक ढंग से स्वस्थ है। मन की चंचलता पर नियंत्रण है, विशेष इसका जो मानसिक स्वास्थ्य का जो सोल है, जो कोर आइडिया है, वो मन पे नियंत्रण की है, इंद्रियों पे नियंत्रण की है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में इस तरह की घटनाएं हैं और मन पे नियंत्रण है, कोई मानसिक बीमारी नहीं है, तो वो मानसिक ढंग से स्वस्थ है। तीसरा मैंने कहा सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक ढंग से स्वस्थ होने का मतलब ये है कि आपका अपने परिवार में, अपने समाज में, या आप जहाँ भी आप अपनी सेवाएं देते हैं वहां पर आपके एक दूसरे से संबंध किस तरह से हैं, उन संबंधों की क्वालिटी किस तरह से है, उसको बोला जाता है सामाजिक स्वास्थ्य। और आज कोरोना के टाइम में सामाजिक ढंग से समुन्नत रहना या विकसित रहना एकदम से आवश्यक है। जैसे हम एक दूसरे अपनी हम अधिकारों की अधिक बात करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों की बात कम करते हैं, कोरोना काल में इन दोनों चीजों में हम बैलेंस कर लें, जैसे सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी, मास्क पहनने के लिए उत्प्रेरित करें, समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, चाहे स्वास्थ्य का हो चाहे किसी भी तरह की घटनाओं का हो, तो यदि हम शारीरिक स्वास्थ्य हमारे अंदर है तो स्वतः ढंग से हम उत्प्रेरित होते हैं सामाजिक दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए, स्वतः स्फूर्त रूप से हम होते हैं। तो इस तरह से सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि हमारा एक दूसरे से संबंध कैसा है, किस श्रेणी का है,
किस गुणवत्ता युक्त है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके संबंध अच्छे हैं एक दूसरे से, उसको सामाजिक ढंग से स्वस्थ बोला जाता है, जिसको अपने सोसाइटी के प्रति, अपने स्टेट के प्रति, अपने नेशन के प्रति जिम्मेवारियों का अच्छे ढंग से निर्वहन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है वो सामाजिक ढंग से स्वस्थ। अगला है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ होने का मतलब यह है कि हमारे अंदर कितने मानवीय गुण है और उन मानवीय गुणों का कितना फैलाव है, ईश्वर के प्रति कितना हम समर्पित हैं, सत्य के कितने हम पास हैं, अहिंसा हमारे जीवन में कितनी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आध्यात्मिक होने का अर्थ नहीं है कि हम कोई विशेष प्रकार का वस्त्र पहने या हम किसी विशेष प्रकार के मत या मतांतर का प्रचार प्रसार करें, या आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि डेली हम किसी धर्म स्थान पे जा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमें अध्यात्म की तरफ जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने में थोड़ी सी सहायता करती हैं, किंतु आध्यात्मिक होने का योग के दृष्टिकोण से मतलब ये है कि हम अपने अंदर किस तरह से हैं, इंद्रियों का हमारे नियंत्रण किस तरह का है, मन पे हमारा किस तरह का नियंत्रण है, हमारी कार्यप्रणाली पे हमारा किस तरह का नियंत्रण है, हमारी सोच किस तरह की है। हम रोज मंदिर जाते हैं मगर हम मानसिक स्तर से ठीक नहीं है, मानसिक स्तर से हमारे स्तर पे रोज अहिंसा हो रही है, तो ऐसा आदमी कभी भी आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ नहीं रह सकता। मैं तमाम चीजों को ऑब्जर्व करने की मेरी आदत है। हम ये देखते हैं कि मंदिर में हम जाते हैं, फिर एक जैसे आम धारणा लोगों की होती है कि ईश्वर मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपको इतना ये मन्नत चढ़ाऊंगा या ये पूजा करा दूंगा। तो जैसे ही ईश्वर के प्रति या उस इष्ट देव के प्रति इस तरह की हमारी भावना आ जाती है, लेन देन की भावना आ जाती है, फिर वो उस अनुष्ठान का या उस मन्नत का कोई जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कोई असर नहीं पड़ता और आध्यात्मिक ढंग से मैं समझता हूँ ईश्वर को भी वो मंजूर नहीं। तो हम सच्चे मन से कितने स्तर पे ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, ईश्वरीय शिक्षाओं के प्रति हम अपने जीवन में अपने आप को कितना उतार पाए हैं, जो मानवीय गुण होने चाहिए जो वेदों में पुराणों में उपनिषदों में मानव जीवन के लिए अनिवार्य बताए गए हैं वो हमारे अंदर कितना है, उसके साथ जब हम ईश्वर को याद करते हैं या ध्यान करते हैं तो एक मार्ग पे हम चलते चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आध्यात्मिक उन्नति का या आध्यात्मिक स्वास्थ्य के जागृत होने का वो ओरिजिनल मार्ग है, न कि हम किसी धार्मिक स्थान पे जाकर आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ होने की प्रयत्न करें या किसी बाबा जी के पास जाके आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ होने की कोशिश करें या किसी भी तरह से चीज़ें करें। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारे देश का जो ओरिजिनल आध्यात्म की परिभाषा है, ओरिजिनल आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा है, उससे हम दूर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि वो आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ नहीं है, आध्यात्मिक ढंग से उसकी आत्मा उस परमात्मा के साथ समुन्नत रूप से जुड़ी हुई नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की दी गई शिक्षा हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करा ही नहीं सकती, वो केवल एक उपदेश हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए, आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ होने के लिए हम बाहर से अंदर की तरफ आएं और हमारे अंदर सारी वो चेतना का प्रचंड प्रवाह है जिसको योग की अलग अलग जो साधनाएं हैं, जो अष्टांगिक मार्ग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनका हम अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से नियमबद्ध तरीके से इसका अभ्यास करते हैं तो स्वतः हम आध्यात्मिक मार्ग पर, मतलब जीवन के नित निरंतर विकसित होने के मार्ग पर जाने लग जाते हैं। और आध्यात्मिक होने के लिए किसी प्रकार के सुगंध की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के पुष्प की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के वस्त्र की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के आडंबर की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। योग में इन सब सारी चीज़ों की कोई मान्यता नहीं है, बस आप निश्चल भाव से जो योग की साधना है उसको अपनाइए, उसको कीजिए, तो व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तरफ उन्नत होने लगता है। और आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ होने का मतलब ही होता है कि हम धीरे धीरे जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है
उसके आसपास पहुंचने लगते हैं और साधना के एक स्तर पर चित्त वृत्तियों का निरोध करके फिर मोक्ष के मार्ग पे अग्रसित हो जाते हैं। तो ये चार मैंने डायमेंशंस बताए हेल्थ को, जिसको हॉलिस्टिक हेल्थ बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा समय आप लोगों का और लूंगा, शारीरिक स्वास्थ्य कैसे विकसित किया जा सकता है, मानसिक कैसे किया जा सकता है और सामाजिक कैसे किया जा सकता है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को कैसे उन्नत किया जा सकता है, विशेषकर योग के माध्यम से थोड़ा सा समय आपका लेके ये बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि शरीर प्रकृति का दिव्य सृजन है, इसी शरीर से तमाम तरह की आवश्यकताएं और तमाम तरह के लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हैं। तो शरीर के शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा साधन है हमारा आचार विचार और व्यवहार समुन्नत अवस्था में होना चाहिए, शरीर के लायक होना चाहिए। आचार विचार और व्यवहार ठीक कर लेने के बाद शरीर को अच्छा रखने के लिए योग में, योग दर्शन में विभिन्न प्रकार के आसनों का उल्लेख है। उसमें बैलेंस ग्रुप के आसन है, मेडिटेटिव आसन है, प्रोन है, सुपाइन है। तो अलग अलग शरीर की अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग आसनों का चुनाव करना चाहिए और प्रतिदिन आसनों का अभ्यास करें। और हमेशा आप जान लीजिए कि हर एक व्यक्ति के शरीर का अलग अलग स्वभाव होता है, तो आसनों का भी चुनाव अपनी व्यक्ति अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार करें। कोई वात प्रकृति का है तो उसके लिए अलग आसन है, पित्त प्रकृति का है तो उसके लिए अलग आसन है, कफ प्रकृति का है तो उसके लिए अलग आसन है। तो शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए किसी योग विशेषज्ञ से परामर्श करके अपने शरीर की क्षमता, अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार आसन का चुनाव करें और फिर उसका निरंतर नियम ढंग से आप प्रयोग करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सकता है। और मैं एक और आपको अपनी सलाह देना चाहता हूँ कि टेलीविजन देख करके किसी भी प्रकार के आसनों का अभ्यास ना करें, इससे शरीर को बहुत ही बड़े स्तर पे नुकसान होता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के शरीर का स्वभाव अलग है, हर एक व्यक्ति का विचार अलग है, हर एक व्यक्ति का खान पान अलग है। तो टेलीविजन में तो एक ही तरह का आसन, फिर अलग अलग व्यक्ति जिसका अलग अलग स्वभाव है सभी लोग एक ही तरह का आसन करते हैं, तो इस तरह से ना करें। दूसरी चीज, सामूहिक भीड़ में आसनों का अभ्यास ना करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई योग सिखाने वाले कोई योगी आ जाए और 100 लोग मान लीजिए उनसे सीख रहे हैं किसी ग्राउंड में या किसी हॉल में, तो जो सिखाने वाला व्यक्ति है वो एक ही तरह का आसन सिखा रहा है, योगाभ्यास सिखा रहा है, और सीखने वाले जो समूह में 80 साल के बुजुर्ग भी हो सकते हैं, 10 साल के बच्चे भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, 25 साल के भी लोग हो सकते हैं, 35 साल के भी लोग हो सकते हैं, बीमार लोग भी हो सकते हैं और स्वस्थ लोग भी हो सकते हैं, रोगी भी हो सकते हैं, निरोगी भी हो सकते हैं, मगर जो व्यक्ति आसन सिखा रहा है वो उसके सिखाए गए आसन ही सभी लोग कर रहे हैं, मगर उन 100 लोगों में अलग अलग रोगी भी हैं, निरोगी भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो क्या है, सबकी शारीरिक क्षमता अलग अलग है, सबका एज ग्रुप अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, और 100 लोग हैं तो सभी लोगों की शरीर की क्षमता अलग अलग है, मगर कर रहे हैं एक ही तरह का आसन जो योगी जो सिखा रहा है। तो शरीर की क्षमता के अनुसार आसनों का चुनाव करना चाहिए, न कि सामूहिक ढंग से। स्वस्थ व्यक्ति भी वही आसन कर रहा है और बीमार व्यक्ति भी वही आसन कर रहा है, महिलाएं भी वही आसन कर रही हैं, पुरुष भी वही आसन कर रहे हैं, 45 साल के बाद की महिला भी वही आसन कर रही है और 20 साल वाली भी वही कर रही है, 80 साल के बुजुर्ग दादाजी भी वही आसन कर रहे हैं और 25 साल का नौजवान भी वही आसन कर रहा है, मगर सबकी शरीर की क्षमता अलग है। इसलिए आसनों का अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार चुनाव करना चाहिए और उसका अभ्यास करेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छे ढंग से विकसित होता है। अन्यथा इस तरह की चीजें भीड़ में यदि ये सब चीजें होने लगती हैं तो धीरे धीरे आगे जाके फिर शारीरिक स्वास्थ्य उससे प्रभावित होने लगता है और योगाभ्यासों का लाभ के स्थान पर बड़े स्तर पे उससे हानियां होती हैं। और इस तरह के तमाम तरह के हजारों प्रमाण आ चुके हैं कि ऐसा, और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि योग का अभ्यास व्यक्तिगत है मगर इसका लाभ सार्वजनिक है।
इसलिए अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार, अपने खान पान के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार हम बीमार हैं या नहीं बीमार हैं उसके आधार पर हम आसनों का चुनाव करें और उसका अभ्यास करें तो हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, दुनिया में कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो स्वाभाविक ढंग से शरीर के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, थायराइड है, थाइमस है, पिट्यूटरी है, एड्रिनल है, इस तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनको विभिन्न प्रकार के आसन बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभावित करते हैं। और यदि आसनों का हम अच्छे ढंग से चुनाव कर लें अपने शरीर के स्वभाव के अनुसार तो उन आसनों का हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव पड़ने से इन ग्रंथियों से निकलने वाला जो हार्मोन्स है वो अच्छे ढंग से निकलता है, स्वाभाविक ढंग से उसका स्राव होता है और ये हार्मोन्स हमारे पूरे शरीर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसलिए किसी योग विशेषज्ञ की सलाह पर अपने शरीर की क्षमता के अनुसार हम रोगी हैं या निरोगी हैं उसके आधार पर बातचीत करके आसनों का चुनाव करना चाहिए और फिर उसको हम अपनाते हैं तो अपने अपने हम शारीरिक स्वास्थ्य को और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। और ये सब सारी शिक्षाएं हजारों वर्ष पहले हमारे योग के मनीषियों ने दिया है, मैं कोई अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रख रहा। अगला है मानसिक स्वास्थ्य। जैसा कि कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। जो मन है हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है शारीरिक और मानसिक ढंग दोनों से। तो मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए सबसे पहले हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच को ले आए। सकारात्मक सोच के साथ हम किसी भी योगिक साधना के साथ जुड़ते हैं, किसी भी योगिक अभ्यास के साथ हम जुड़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो शरीर के मानसिक स्वास्थ्य को प्रॉपर बनाए रखने के लिए जो हार्मोन्स हैं जिसमें डोपामिन, सेरोटोनिन, इस तरह के हार्मोन्स हैं, आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, अपनी शरीर की क्षमता को पहचान करके, अपने प्रकृति को पहचान करके, तो प्राणायाम और साथ में योगासनों का अभ्यास, दोनों अभ्यास हम मिला देते हैं तो मानसिक ढंग और मानसिक स्वास्थ्य आपका और अच्छे ढंग से विकसित होगा। क्योंकि एक तरफ आसनों के अभ्यास से शरीर के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनसे हार्मोन्स का निकलना स्वाभाविक होने लगता है जो बड़े स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दूसरी तरफ हम अपनी क्षमता को पहचान के, शरीर की आवश्यकता को समझ के प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो फिर हमारे शरीर में प्राण वायु का अच्छे ढंग से उसका प्रवाह होता है। प्राण वायु का अच्छे ढंग से शरीर में प्रवाह होने का मतलब कि आगे चल के हमारे शरीर में चेतना का प्रचंड रूप से प्रवाह होने लगता है। नस नाड़ियों में हमारे शरीर में चेतना का अच्छे ढंग से प्रवाह होने लगता है और साथ में प्रत्याहार और धारणा का हम अभ्यास करते चलें। इन सारे चीज़ों को करते हुए तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बड़े स्तर पे उसको विकसित कर सकते हैं। और मानसिक ढंग से व्यक्ति के विकसित होने का मतलब ये हो गया कि उसके जीवन में अनंत विकास की संभावनाएं स्थापित हो गई या उसके जीवन में अनंत विकास होने की एक प्रबल संभावना प्रारंभ हो गई। तो योग की जो साधना है उनके साथ हम यदि संलग्न होते हैं तो बड़े स्तर पे हम अपने जीवन में मानसिक स्वास्थ्य को उतार सकते हैं। और व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य के साथ अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर लेता है तो मैं समझता हूँ कि सारे उद्देश्यों को, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, उन सारे उद्देश्यों को बहुत ही अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकता है। अगला है सामाजिक स्वास्थ्य को किस तरह से विकसित किया जाए। जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग हो गए उसमें यम नियम की अवधारणा दी गई है। मैं समझता हूँ कि यम नियम, उसमें यम में पांच चीज़ें हैं और नियम में पांच चीज़ें हैं, विशेषकर अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह, ईश्वर प्राणिदान, ये सब ऐसी साधनाएँ हैं या ऐसे ये अभ्यास करने की वस्तुएं हैं। इसका थोड़ा सा अंश हम अपने जीवन में उतार लें या इसके थोड़े से अंश को हम अपने जीवन में अभ्यास में ला दें
तो स्वतः हम सामाजिक ढंग से बहुत ही बड़े स्तर पे विकसित हो जाएंगे। हमें समाज की आवश्यकता, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य, अपने परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य, हम जिस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं उसके प्रति हमारा किस तरह का कर्तव्य है, इन सारी चीजों को हम जान सकते हैं। और अपने अधिकारों से पहले हम अपने कर्तव्यों को जानने, समझने और उसको उस पर खरा उतरने के बाद सामाजिक ढंग से स्वस्थ व्यक्ति करने में, समझने में बहुत ही सक्षम ढंग से विकसित हो जाता है। तो सामाजिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए जो हमारा यम नियम, जो अष्टांग योग का मार्ग है, उसका अभ्यास हम करते हैं, तो सामाजिक ढंग से हम अपने आप को समुन्नत अवस्था में, सामाजिक स्वास्थ्य में अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। अगला है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि शारीरिक ढंग से अपने आप को हमने विकसित कर लिया, मानसिक ढंग से कर लिया, सामाजिक ढंग से कर लिया, तो जीवन का ये जो तीन बिंदु है हमारे शरीर में स्थापित हो जाता है या हमारे जीवन दर्शन के साथ जुड़ जाता है, तो फिर हमारे अंदर आध्यात्मिक स्वास्थ्य के उन्नत होने का रास्ता बिल्कुल खुल जाता है, रास्ता बिल्कुल सुगम और सरल हो जाता है। इसके साथ हम जब ध्यान का अभ्यास करने लगते हैं, देखिए ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके हम बैठ गए और किसी समय के लिए किसी स्थान पे बैठ गए आंख बंद करके, मगर हमारी आंख तो बंद है मगर हमारा मन कहीं बॉम्बे चला गया या किसी और कहीं चला गया, किसी और स्थान पे हम विचरण कर रहे हैं, केवल हमारी आंख बंद है, तो ये ध्यान नहीं होता है। ध्यान का मतलब ये होता है कि हम अपनी वृत्तियों को बाहर से अंदर, मतलब वायुमुखी से अंतर्मुखी हुए, सारी चीजों को समेट कर हम अपने अंदर ले आए और किसी एक बिंदु पर निरंतर अपने आप को एकाग्रित करने लग जाए। ध्येय और ध्याता के साथ साथ दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाए, तो इसको बोला जाता है ध्यान। जैसे आजकल जो मेडिटेशन वाला फैशन है, मैं समझता हूँ मेडिटेशन और ध्यान दोनों में मौलिक अंतर है। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, जो मेडिटेशन है वो मेरिडियन से बना हुआ है, इसका अर्थ बहुत ही सरफेस लेवल का है, और जो ध्यान है वो धृष धातु से बना हुआ है और इसका एक गहरा अर्थ है। कभी और अवसर होगा तो हम लोग ध्यान पे एक चर्चा रखेंगे। तो इस तरह से आध्यात्मिक स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए योग दर्शन में वर्णित ध्यान का अभ्यास करें तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छे ढंग से हमारे जीवन के साथ जुड़ सकता है। हाँ, इसके साथ मैं निष्कर्ष पे आता हूँ, बस एक मिनट और लूंगा मैं आपका। तो इस प्रकार मैंने ये बताया कि योग दर्शन में जो अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया है, वो चीजें व्यक्ति की शारीरिक शुद्धि करती हैं, मानसिक शुद्धि करती हैं और आध्यात्मिक मार्ग की तरफ व्यक्ति